आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। सिलकेरा टनल में फंसे 41 मजदूरों के सकुशल बाहर निकलने के लिए आज देहरादून स्थित पंचायती मंदिर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज समेत तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हवन यज्ञ कर पूजा अर्चना की। इस दौरान कांग्रेसियों ने सभी मजदूरों के जल्द बाहर निकलने और कुशलता की दुआ मांगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज ने कहा कि हमारे जितने भी मजदूर भाई टनल के अंदर एक सप्ताह से ज्यादा वक्त से फंसे हुए हैं, वह जल्द बाहर आए, हम भगवान से यही कामना करते हैं। साथ ही सरकार पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि मजदूरों को निकालने में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है, क्यों नहीं पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अब इतना समय बीत जाने के बाद टनल में फंसे मजदूर जिंदगी और मौत के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ भी हल नहीं निकल पाया है, जो कि सरकार की बड़ी विफलता है। देखिए, कई किस्म की दिक्कतें हैं, हर तरीके से प्रयास भी हो रहे हैं, और 9 दिन हो गए 41 लोगों को अपने जीवन के लिए संघर्ष करते हुए, बिना सूर्य की रोशनी के लिए, बिना पर्याप्त ऑक्सीजन, बिना पर्याप्त पानी के, बिना पर्याप्त भोजन के वो लोग वहाँ हैं। क्या परिस्थितियाँ अंदर हैं ये समझ नहीं आ रहा, इसलिए हमने आज फैसला किया कि देवता से हम प्रार्थना करें, यज्ञ देव से, कि वो सुरक्षित बाहर आ सकें। सरकार के मंत्री जी, जो प्रभारी मंत्री, वो 9 दिन हो गए अभी तक वहाँ नहीं गए, हालांकि गडकरी जी गए और उम्मीद बंधी है कि शायद कुछ जल्दी होगा, लेकिन अथॉरिटी से बात करने में पता चला कि कम से कम अभी 10 से 15 दिन और लग सकते हैं, जो बहुत ही दुखद है। समय ख़राब किया गया, पहले मशीन मंगाई गई जो 125 मीटर चलने के बाद ख़राब हो गई, उसके बाद दूसरी मशीन हरकुलिस से लाई गई, काफ़ी प्रचार प्रसार किया गया, वो मशीन भी 24 मीटर चलने के बाद ख़राब हो गई, और उसके बाद सरकार के ये समझ में आया कमेटी के कि साहब अंदर एक JCB और गाड़ी भी फंसी हुई है, जिससे फिर ये हुआ कि भाई ये तो रास्ता ठीक नहीं, आप ऊपर से डाल रहे हैं, तो इतना समय ख़राब करा गया है, बता नहीं सकते। सरकार को शुरू में ये पता नहीं था कितने लोग हैं, पहले 35 लोगों की सीट लिस्ट बताई गई, फिर 40 लोगों की बताई गई, कल 41 बताई गई, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि क्या हो रहा है। दूसरा, उसमें जो टेक्निकल कमियां हैं, इसकेप टनल क्यों नहीं है, खुदा ना खास्ता कभी इसमें ट्रेन चले और ऐसा हादसा हो जाए तो स्केप टनल्स बनती हैं सब जगह, इसमें स्केप टनल क्यों नहीं थी, इसमें ह्यूम पाइप क्यों नहीं था, इसमें कंट्रोल ब्लास्टिंग क्यों नहीं की गई, अनकंट्रोल ब्लास्टिंग के कारण पहाड़ हिले हैं, कच्चे पहाड़ हैं, इन सभी पहलुओं की जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पहली प्राथमिकता है कि जो हमारे भाई अंदर जीवन और मृत्यु का संघर्ष कर रहे हैं, वो लोग, भगवान करे, ईश्वर करे, वो सुरक्षित बाहर आ सकें। ऐसी ही जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए राष्ट्रीय न्यूज़ नेटवर्क से।